नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में। तो चलिए आज के आर्टिकल्स देख लेते हैं। आज हम पहला आर्टिकल जो है इसमें संघवाद के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आज के दौर में संघवाद को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। उसके बाद में जो हमारा दूसरा आज का आर्टिकल है ये आंगनवाड़ी के संबंध में है। कोविड के इस दौर में, लॉकडाउन के इस दौर में आंगनवाड़ी से जो फूड सप्लाई किया गया ज़रूरतमंदों को, ये काफ़ी सफल रहा और इसकी जो ज़रूरत है हमें कोविड के दौर में महत्व इसका पता चला। तो इसी के बारे में ये आर्टिकल है कि इसे हम और कैसे हमारे इस आंगनवाड़ी सिस्टम को सुधार सकते हैं उसके बारे में भी ये आर्टिकल है। तो हम इसमें एक विस्तृत चर्चा करेंगे। अंत में जैसे कि आपको पता है न्यूज़ इन फ्लैश होता है जिनमें हम महत्वपूर्ण समाचारों की चर्चा करते हैं। तो चलिए मैं आगे बढ़ूँ। उससे पहले लॉ सीखो कि ये कुछ कोर्सेज और पैकेजेस हैं। इन्हीं में से एक कोर्स है लॉर्ड ऑफ द कोर्सेज। तो अगर आप जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये कोर्स के बारे में ज़रूर देखिए लॉ सीखो की वेबसाइट पे, हो सकता है आपकी जुडिशरी के लिए काफ़ी काम आए। उसके अलावा भी लॉ सीखो के और भी कोर्सेज है। इन सारे कोर्सेज की जानकारी आपको लॉ सीखो की वेबसाइट पे मिल जाएंगी। तो चलिए आज का MCQ देख लेते हैं। वह यह है कि माउंट एवरेस्ट का नेपाली नाम क्या है। आपका ऑप्शन ए है सागरमाथा, ऑप्शन बी है कोमू लंगमा, ऑप्शन सी है कंचनजंगा या ऑप्शन डी अन्नपूर्णा। आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो आज के वर्णनात्मक प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वह यह है कि आज के इस दौर में इंडियन फेडरलिज्म, भारतीय संघवाद के सामने कौन कौन सी परेशानियाँ और चुनौतियाँ हैं और इसका परिणाम क्या हो सकता है। एक टिप्पणी करिए, आप आपका उत्तर 250 शब्दों में लिख सकते हैं। तो चलिए जो हमारा पहला आर्टिकल है फेडरलिज्म के बारे में, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो ये समाचार में कैसे आया। सो देयर इज अ ग्रोइंग परसेप्शन दैट इंडियाज फेडरल स्ट्रक्चर इज अंडर थ्रेट एंड स्लोइंग वैनिशिंग। तो ये आशंका लगाई गई है कि जो भारतीय संघवाद है उस पर आज के इस दौर में खतरा छाया हुआ है और ये धीरे धीरे इसका जो महत्व है वो ख़त्म होते जा रहा है। मतलब हम एक फेडरल सिस्टम से हम एक यूनिटरी सिस्टम की तरफ बढ़ रहे हैं, एक केंद्रीयकरण की ओर हम बढ़ रहे हैं। तो उसी के संबंध में ये एक से परसेप्शन बन रहे हैं, तो उसी के संबंध में ये एक आर्टिकल है। तो विच फैक्टर सस्टेन फेडरलिज्म, तो कौन से ऐसे कारक है, कौन से ऐसे फैक्टर्स है जिनके कारण संघवाद टिका रह सकता है। तो पहला जो है एकोमोडेटिंग इंडियाज लैंग्विस्टिक एंड कल्चरल डाइवर्सिटी। तो जैसे आपको पता है कि स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है उसके अंतर्गत हमारे विभिन्न राज्य बनाए गए, ये हमारे भाषा के आधार पर बनाए गए थे। तो जो सबसे मूल कारक और फैक्टर है वो हमारा लैंग्विस्टिक और कल्चरल डाइवर्सिटी है जिसके कारण हमारा संघवाद रिकॉग्नाइज होता है। कॉम्प्रोमाइजेस ऑफ द इशू ऑफ लैंग्वेजेस अ विक्ट्री ऑफ फेडरलिज्म। तो जब तक हम हमारी लैंग्विस्टिक और कल्चरल डाइवर्सिटी को महत्व देते रहेंगे ये हमारे फेडरलिज्म की एक विक्ट्री होंगी, एक जीत होंगी। उसके अलावा जो दूसरा फैक्टर है वो है एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉलिटिकल पावर। तो यहाँ पर हमारे जैसे ही हमारी सरकारों में हमें कॉल्यूशन की मिली जुली सरकार हमें देखने को मिली जहाँ पर बहुत सारी पार्टियाँ आके मिलकर सरकार बनाती है। तो यहाँ पे संघवाद का एक बहुत अच्छा उदाहरण मिलता है क्योंकि एक केंद्र सरकार में जब आपकी स्टेट की डिफरेंट पार्टीज होती है तो सबकी बात बराबर रूप से केंद्र सरकार तक पहुँचती है। तो यहाँ पर इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन भी हमको देखने को मिलता है। उसके अलावा रीजनल पार्टीज जो है उनका महत्व, जैसे मैंने बताया, संघवाद में पॉलिटिकल फेडरलिज्म में बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा पॉलिटिकल एंड इंस्टीट्यूशनल कल्चर। तो पॉलिटिकल और इंस्टीट्यूशनल कल्चर का क्या महत्व होता है, जैसे BJP और कांग्रेस पार्टी में फ्लेक्सिबल फेडरलिज्म फॉलो किया जाता है। यहाँ पर अभी आज के दौर में ये समस्या देखने को मिल रही है कि यहाँ पर प्रेसिडेंशियलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो गया है। मतलब जो पार्टी के प्रेसिडेंट हैं उनके पास में बहुत ज़्यादा पावर है। इससे होता ये है कि आपकी पावर पार्टी भले ही नेशनल लेवल की हो लेकिन डिफरेंट पार्ट्स, डिफरेंट स्टेट्स की जो बात होती है वो पहुँच नहीं पाती है। तो पार्टियों में भी अपना संघवाद फेडरलिज्म की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जो एक पावर कुछ लोगों के हाथ में रहती है, प्रेसिडेंट के हाथ में रहती है, उसका डिसेंट्रलाइजेशन, उसका विकेंद्रीकरण बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ पर जब भी सिंगल पार्टी का डोमिनेंस आता है तो हमें एक खतरा, एक चुनौती हमारे फेडरलिज्म के सामने आ जाती है। उसके अलावा
असिमेट्रिकल फेडरलिज्म भी हमें देखने को मिलता है। जैसे एक्सेप्शन दिया गया है जम्मू एंड कश्मीर को, नॉर्थ ईस्ट को, वैसे 370 का रिपील होने के कारण जम्मू एंड कश्मीर का जो असिमेट्रिकल फेडरलिज्म था ये थोड़ा कम हो गया, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के बहुत से राज्य हैं जिन्हें स्पेशल स्टेटस मिला हो, फिर वो नागालैंड है या अरुणाचल प्रदेश के अलावा हिमाचल प्रदेश जैसे प्रदेशों में भी हमें एक स्पेशल स्टेटस, वहाँ पे एक असिमेट्रिकल फेडरलिज्म जहाँ पर स्टेट्स को ज़्यादा महत्व दिया गया है वो देखने को मिलता है। तो ये असिमेट्रिकल फेडरलिज्म जो है इसके पीछे रीजन ये है कि इन पर्टिकुलर स्टेट्स को स्पेशल प्रोटेक्शन दिया गया, उनके ही कारण इन्हें इनके हमें एक असिमेट्रिकल, एक असामान्य फेडरलिज्म, एक संघवाद देखने को मिलता है। तो चलिए जो दूसरा आर्टिकल है ये है नेसेसिटी ऑफ पब्लिक वेलफेयर सर्विस के बारे में, आंगनवाड़ी के बारे में। तो कोविड के इस दौर में जहाँ पर इकोनॉमिक फॉलआउट हुआ, बहुत सारे जो हमारे कामगार थे, वर्कर्स थे, इनकी इनकम के सोर्स खत्म हो गए, तो यहाँ पर महत्व जो है वो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम का आया। अब इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम क्या है, ये भारत सरकार और राज्य के दोनों की मदद से ये स्कीम चलाई जाती है, जिसमें आंगनवाड़ी आ गए, एडोलेसेंस प्रोग्राम्स जो रहते हैं, वुमेन जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं उनके लिए चलाए जाते हैं। तो यहाँ पर प्रोग्राम जो है इसका मेन फोकस रहता है न्यूट्रिशन की ओर, हेल्थ की ओर और प्री एजुकेशन की ओर, नीडेड ऑफ चाइल्ड टिल 6 ईयर ऑफ एज। तो यहाँ पर आंगनवाड़ी में जो बच्चे जाते हैं उनका कैसे हेल्थ और न्यूट्रिशन, साथ में एजुकेशन का ध्यान रखा जा सकता है, वुमेन जो है और उसके साथ में एडोलेसेंट जो किशोर अवस्था में जो लड़कियां हैं उनके स्वास्थ्य और न्यूट्रिशन की कैसे ज़रूरतें पूरी हो सकती है, इस कार्यक्रम में उस चीज़ का ध्यान रखा जाता है। तो आंगनवाड़ी सेंटर्स जो है ये बहुत महत्वपूर्ण एजेंट्स है, क्योंकि कोविड के दौर में भी देखा गया कि आंगनवाड़ी और जो स्कूल्स है यहाँ से जो राशन है वो बांटा गया। तो कुछ रिलेटेड डेटास है जो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम आंगनवाड़ी को एक इम्पॉर्टेंट एजेंट के रूप में मानते हैं, तो यहाँ पर आंगनवाड़ी सेंटर्स का महत्व है। अगर इंडिया में देखा जाए तो 13.77 लाख आंगनवाड़ी है, करीब 14 लाख के आसपास आंगनवाड़ी सेंटर्स हमारे देश में हैं, लेकिन ये आंगनवाड़ी में एडिक्वेट फैसिलिटीज़ जो होनी चाहिए वो नहीं हमको देखने को मिलती है। तो एक चौथाई जो आंगनवाड़ी सेंटर से उनमें साफ पानी की समस्या, वहाँ पे पीने का पानी ही अच्छे से उपलब्ध नहीं है। उसके अलावा 36% जो आंगनवाड़ी है वहाँ पे प्रॉपर टॉयलेट्स मौजूद नहीं है। उसके अलावा नीति आयोग के कुछ रिकमेंडेशन है जो कि है बेटर सैनिटेशन, साफ सफाई बनी होनी चाहिए, टॉयलेट्स होनी चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर प्रॉपर होना चाहिए और इम्प्रूव्ड पावर एंड बेसिक मेडिसिन, उसके साथ में इलेक्ट्रिसिटी और जो पावर है ये भी समस्या दूर होनी चाहिए, ये नीति आयोग का एक रिकमेंडेशन। उसके अलावा बेसिक मेडिसिन जो है वो भी बहुत से आंगनवाड़ी सेंटर्स में नहीं है। तो कौन से ऐसे कदम हैं जो उठाए जा सकते हैं सरकारों के द्वारा? एक इससे पहले महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि जैसे हम सामान्य रूप से देखा जाता है कि जो ICDS प्रोग्राम है इसमें 60% जो कंट्रीब्यूशन रहता है वो केंद्र सरकार का रहता है और जो 40% रहता है वो राज्य सरकारों का रहता है। उसके अलावा जो हमारे प्रदेश हो गए जैसे हिमाचल, उत्तराखंड और नॉर्थ ईस्ट, तो यहाँ पर जो रेशियो है वो 90:10 रहता है, मतलब 10% राज्य सरकारें करती है और 90% केंद्र सरकार, क्योंकि यहाँ पर अटेंशन जो है केंद्र सरकार का ज़्यादा होता है क्योंकि इन राज्यों को स्पेशल अटेंशन की ज़रूरत होती है। उसके अलावा जो केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पर कोई भी असेंबली नहीं है वहाँ पे 100% जो फंडिंग रहती है वो केंद्र सरकार की रहती है। तो चलिए स्टेप्स देख लेते हैं कौन से ज़रूरी स्टेप्स जो उठाए जा सकते हैं। पहला है इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ मील्स, तो जो क्वालिटी, जो गुणवत्ता है पोषण आहार की, उसे सुधारने की आवश्यकता है। तो इफेक्टिव सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन देने की यहाँ पर आवश्यकता है, राइटर का ये सुझाव है। उसके अलावा जो दूसरा कदम है वो ये है कि रिक्रिएशनल और जो लर्निंग फैसिलिटीज़ है उसे भी सुधारने की आवश्यकता है। तो जो झूला घर हो गए, उसके अलावा आंगनवाड़ी केंद्रों में बहुत बेसिक चीज़ें ही नहीं है लर्निंग की और रिक्रिएशनल की, उन्हें भी बढ़ाने की आवश्यकता है। उसके अलावा इम्प्रूव द करियर प्रोस्पेक्टर ऑफ प्रोस्पेक्टस ऑफ सर्विस कंडीशन ऑफ आंगनवाड़ी वर्कर, आशास एंड ANMs। तो यहाँ पर जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, जो आशा कार्यकर्ता है और उसके साथ में ANM के जो वर्कर्स हैं, इनकी जो करियर प्रोस्पेक्टस है उसे सुधारने की आवश्यकता है, क्योंकि ज़िंदगी भर हमें ये देखने को मिलता है जो आंगनवाड़ी वर्कर्स है वो वही काम करते रह जाते हैं। तो यहाँ पर ज़रूरत है कि सरकार टाइम टू टाइम इनका स्किल डेवलपमेंट करे कि ये अपना आगे करियर प्रोग्रेशन के लिए भी कदम उठा सके। तो यहाँ पर ये एक इनकरेजमेंट होगा इन आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए काम करने के लिए और इनके वर्किंग पैटर्न में भी सुधार आने की बहुत ज़्यादा आशंका है अगर ऐसा कदम उठाया जाता है। तो उसके साथ में
सर्विस डिलीवरी, तो सर्विस डिलीवरी सिस्टम जो है उसे इम्प्रूव करने की बात की गई है। जैसे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो है उनको इस कोविड के दौर में काफ़ी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को अलग अलग राज्यों में स्मार्टफोन्स और टैबलेट बांटे गए, जिसके माध्यम से वो डायरेक्ट रिपोर्टिंग कर सकते हैं कि कहाँ कितना राशन डिलीवर हुआ, कौन सा एरिया में इफेक्टिवली डिलीवर हुआ, कौन सी एरियाज में अभी भी कमी मौजूद है। तो ये सारी चीज़ें हम एक टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करके सर्विस डिलीवरी सिस्टम सुधार सकते हैं। उसके अलावा इम्प्रूव आंगनवाड़ी सेंटर्स, तो जैसे हमने बात करी कि कितनी ज़्यादा इनएडिक्वेट फैसिलिटीज़ है आंगनवाड़ी केंद्रों में, उसे सुधारने की आवश्यकता है। तो सक्षम स्कीम एम्स टू अपग्रेड 2.5 लाख सेंटर्स, तो सक्षम स्कीम जो है इसी और एक कदम है जिसमें 2.5 लाख सेंटर्स को अपग्रेड किया जाएगा। उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, स्टेट्स कोऑर्डिनेशन एंड कैटर नीड्स ऑफ द कम्युनिटीज, तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने की बात हमने शुरू से करी है कि ये होना चाहिए। उसके अलावा स्टेट्स का कोऑर्डिनेशन, स्टेट्स का भी आपस में कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कई ऐसे गांव रहते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे ट्राइबल बेल्ट रहते हैं जो दो राज्यों के बीच में बटे हुए हैं, तो यहाँ पे स्टेट्स का कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। उसके साथ में कम्युनिटी के हिसाब से यहाँ पर हमें सेवा प्रदान करने की स्कीम को मोल्ड करने की आवश्यकता है, क्योंकि ट्राइबल बेल्ट में जो ज़रूरत है वही हमें शहरी क्षेत्रों में, वो उसके बिल्कुल विपरीत हमें ज़रूरतें देखने को मिलती है। तो जगह के हिसाब से और हमारी कम्युनिटी के हिसाब से हमें नीड्स जो है, हमें ज़रूरतें फुलफ़िल यहाँ पे करनी चाहिए। तो चलिए ये हमारे आज के आर्टिकल्स हो गए, आज के समाचार देख लेते हैं हमारे। तो पहला जो है वो लक्षद्वीप को ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ने की बात की गई है। तो पिछले दिनों हमने बात करी कि जो हमारे अंडमान और निकोबार आइलैंड है, इसे ऑप्टिकल फाइबर केबल से कनेक्ट करने का कार्यक्रम किया गया। ये चेन्नई से जोड़ा गया अंडमान निकोबार को, इस बार कोची से जोड़ा जा रहा है लक्षद्वीप को। तो आज हमें ये अगर देखें तो लक्षद्वीप में मेनली जो नेटवर्क मिलता है वो 2G नेटवर्क मिलता है, जिससे काफ़ी ज़्यादा समस्या देखने को मिलती है जो लोग लक्षद्वीप में रहते हैं। तो ये ऑप्टिकल फाइबर जो है बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगा। उसके साथ में यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड स्कीम भी चलाई जा रही है, शुरू की गई है, जो कि अरुणाचल प्रदेश के लिए है। अरुणाचल प्रदेश एक दूरस्थ राज्य हमारे संघ का हिस्सा है, यहाँ पर भी कई और ऐसे एरिया से जहाँ पर नेट है ही नहीं, जहाँ पर इंटरनेट की सुविधा है ही नहीं, तो ये भी एक समस्या दूर होगी इस कार्यक्रम से, और ये लोग भी हम जैसे आपस में कनेक्ट हो पाएंगे। उसके साथ में इंडस वैली से संबंधित एक रिपोर्ट आई है, तो रिसेंटली एक स्टडी की गई है अक्षय सूर्य नारायण के द्वारा, तो इनकी स्टडी जो है वो जर्नल ऑफ आर्कियोलॉजिकल साइंस में पब्लिश की गई है। तो यहाँ पर ये एक स्टडी में सामने आया है कि जो लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन में रहते थे, इनकी जो मील होती थी, इनका जो खान पान की जो इनकी पद्धति होती थी, उसमें मीट का बहुत ज़्यादा महत्व था। तो यहाँ पर ये भी पाया गया कि ये लोग बीफ का भी सेवन करते थे। तो ऐसी रिसर्च हुई है, अब आगे रिसर्च में हमें और देखने को मिलेगा, जितने अवशेष मिले हैं उसके अनुसार इतनी स्टडी हमारे सामने अभी तक आई है। उसके अलावा सॉफ्टवेयर टू फाइट चाइल्ड पोर्नोग्राफी, तो महाराष्ट्र पुलिस का जो साइबर विंग है उनके द्वारा एक सॉफ्टवेयर एक्वायर किया गया है, जिसका नाम है क्रॉलर। ये क्रॉलर जो सॉफ्टवेयर है इंटरपोल से एक्वायर किया गया है, ये ट्रैक करेगा चाइल्ड पोर्नोग्राफी को। तो 12 पुलिस ऑफिसर का जो टीम है उन्हें ट्रेंड किया जा रहा है साउथ एशिया विंग इंटरपोल के द्वारा। तो ये बहुत ज़रूरी कदम था कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी हमारे देश में, चाइल्ड पोर्नोग्राफी कब की बैन है, लेकिन अभी भी ये सर्कुलेशन में देखने को मिलती है, तो ये जल्द से जल्द इसे ख़त्म होना चाहिए, उसके लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट का बहुत अच्छा कदम है। तो चलिए जो हम आज का हमारा अंतिम न्यूज़ है वो है हमारे पार्लियामेंट के संबंध। तो 75वीं वर्षगांठ होंगी हमारी इंडिपेंडेंस की 2022 में। इस उपलक्ष्य में सरकार का ये कदम उठाया गया है, सरकार ने ये सोचा है कि हम एक नया पार्लियामेंट बना के तैयार करें, पीपल्स पार्लियामेंट एक बिल्ड करें, तो जिससे हमारे भविष्य में आने वाली जो भी ज़रूरतें रहेंगी वो फुलफिल हो पाएंगी। क्योंकि 2026 में ये अनुमानित किया गया है कि परिसीमन होगा, डिलिमिटेशन होगा, राज्यसभा लोकसभा दोनों की सीट्स बढ़ाई जाएंगी, तो इनको कैसे एकोमोडेटेड किया जाएगा उसके लिए ज़रूरत है नई बिल्डिंग की। तो उसी को देखते हुए ये कदम सरकार के द्वारा उठाया गया। तो चलिए आज का जो हमारा विश्लेषण है वो ये समाप्त होता है। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। इसी तरह पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू।